हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे, और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राघव सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में मैं जिस स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, इसकी बैलेंस शीट कह रही है कि ये भागने वाला है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इसकी बैलेंस शीट कह रही है कि ये शेयर भागने वाला है, पर मैं आपको कहना चाहूंगा ये शॉर्ट स्पैन में सिर्फ आपको 20-50% का रिटर्न दे सकता है। पर मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं कहूंगा आप इसमें लॉन्ग टर्म रहें, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट मुझे चीख चीख के चिल्ला रही है कि ये शेयर आने वाले समय में मल्टीबैगर बनेगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा उस इंसान ने जिन्होंने इस शेयर के बारे में मुझे बोला कि इसके बारे में राय बताएं, तो वो है नितिन जैन जी, जिन्होंने मुझे बोला कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं। आपको थैंक यू, आपको मुझे इस शेयर को रेकमेंड करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लगा। नितिन जी, आपको मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने मुझे कहा कि मैं इसे रिव्यू करूं। तो सबसे पहली बात मैं अपनी राय बता दूं, तो ये मस्ट बाय है हर की भोजपुरी, क्योंकि ये स्टॉक जो है 50 रुपए के नीचे का स्टॉक है, और बहुत सारे दर्शकों ने मुझे कहा कि 50 रुपए के नीचे के स्टॉक्स आप बताएं, उनमें से ये एक स्टॉक है जिसका मार्केट कैप जो है वो 671.71 है, करंट प्राइस जो है 26.1 है, 52 वीक हाई और लो है 31.7 और लो जो है 12.5 है, स्टॉक पी जो है वो 9.57 है, डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.38 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.38%, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 11.18%, सेल्स ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी है, 18% की ग्रोथ है, जो मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है। अब अगर कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों लगता है कि ये सेटिस्फाइंग है आपके लिए, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा 18% की ग्रोथ तब है जब इंडिया की इकोनॉमी जो है पिछले 3 सालों से पेन में है, और अगर ये पेन में है और ये 18% से ग्रोथ कर रही है तो ये मेरे जैसे एनालिस्ट के लिए काफी अच्छी बात है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा इसके प्रॉन्स जो है, कंपनी जो है सबसे बड़ी बात तो है, कंपनी जो 0.76 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो 18.18 है इन द लास्ट 5 ईयर्स, अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है वो 17.82 है, जो मेरे लिए काफी अच्छा है। आप सभी से कहना चाहूंगा 17.82% का प्रॉफिट ग्रोथ खराब नहीं होता। अगर मैं बात करूं इसके कॉन्स की बात करूं, तो इसकी जो सबसे बेकार है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो 11.18 है, जो पिछले तीन सालों में, और एक चीज जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज है जो 229.06% है। मैंने जितने भी स्टॉक बताए हैं जिनमें भी ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज होती है वो शेयर बहुत मुश्किल से चलते हैं, और कंपनी हैज एन हाई डेप्टर डे। कंपनी का जो सबसे बेकार चीज होती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है वो है डेप्टर डे, जो दो है 216.58 डेज की। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो पूरी FY20 में जो सेल्स था वो 1060 था, प्रॉफिट था वो 94 करोड़ का था, और कंपनी की जो EPS थी वो 3.64 की थी। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके जो अगर मार्केट कैप टू सेल्स की रेशियो की बात करूं तो कंपनी जो ट्रेड हो रही है वो सिर्फ 0.63% पे ट्रेड हो रही है, जो काफी सस्ती मानी जाएगी। कंपनी एटलीस्ट 2-3 टाइम्स ऑफ द सेल्स पर ट्रेड करती है कोई भी कंपनी। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी की जो मार्केट कैप टू प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 7.14 है, जो फिर से काफी अच्छा, काफी सस्ता माना जाएगा। इस ऐसे स्टॉक जो अपने मार्केट कैप टू प्रॉफिट के रेशियो पे 7.14 टाइम है उन्हें सस्ता माना जाता है, और ये शेयर जो है, ये दो वजह बहुत काफी होती हैं कि ये शेयर आने वाले समय में एक मल्टीबैगर शेयर बन सकता है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर मैं पिछले चार क्वार्टर के रिजल्ट की बात कर लूं तो इंक्लूड जून, मार्च, दिसंबर और अक्टूबर वाला क्वार्टर का अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो इन कंपनी ने 876 प्रॉफिट 70 करोड़ और EPS 2.73 का। पर इस कंपनी की सबसे अच्छी बात जो है, अगर मैं इसकी GV वैल्यू कहूं, GV वैल्यू मतलब होता है कि अगर उसकी बात करूं तो इसकी जो GV वैल्यू आती है वो आती है 52.92
रुपीज की आने वाले समय में ये शेयर जो है 52 रुपए तक जा सकता है, पर इसे टाइम लगेगा। मैं टाइम थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ, वो है 18 से 24 महीने तक का। ये कंपनी जो है 52-53 रुपीज के टारगेट जो है 18 से 24 महीने में दिखाई दे सकती है। पर सबसे बड़ी बात मेरे दर्शकों के लिए, वो वैल्यू जो वैल्यू का इंतजार आप सभी को है, मेरा टारगेट मतलब राकेश वैल्यू इसकी क्या है, इस स्टॉक की, स्टॉक की जो राकेश वैल्यू है वो है 90 रुपीज की अगले 18 से 24 महीने में। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जब ये शेयर स्टॉप लॉस तोड़े तो बेचे, और स्टॉप लॉस के नंबर के ऊपर आए तो आप इसे खरीदें। अब अगर मैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं, जो मैं अपने हर हर वीडियो में बताता हूं, तो मैं आपको टेक्निकल लेवल की बात बताऊं। फॉर ट्रेड आप इसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 26.75 है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 25.65, और ऊपर में जो टारगेट अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपका आएगा 29.31.5। पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगाइए 24 का, नीचे में आपको एक्यूमुलेट करना है स्टॉक को 22 पर, 20.5 पर, 18 पर और 15 पर। ये वो लेवल्स होंगे जहां पर आप इस स्टॉक को नीचे में एक्यूमुलेट करेंगे, और ऊपर में आने वाले दिनों में अगले 18 से 24 महीने में जो टारगेट आ सकता है, पहला टारगेट आएगा 34 का, दूसरा टारगेट आएगा 37 का, तीसरा टारगेट आएगा 50 रुपए का, और फिर 53 रुपीज का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा, ये स्टॉक बढ़िया स्टॉक है, और ये स्टॉक भी मैं कह सकता हूं कि ये गिव अवे है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे पहले दिन से पसंद किया और मैं यहां तक आ पाया आप सभी के प्यार से की वजह से। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक अगर नीचे जाता है, मतलब कि जो लेवल्स मैंने बताए 18-15 रुपए जाता है, तो कृपया कर 5,000 रुपए का लेकर छोड़ दें अगले 2 से 3 सालों के लिए, ताकि ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे। तो अगर आपको जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी ही जानकारियां, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी ईयर मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मल्टी बैगर स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।